है क्या बात? नहीं नहीं। हाँ महाराज, तब तो थाली में परोसा लगाइए। अच्छा अच्छा महाराज, अगर आप कह रहे तीन थालियां तो तीन थालियां को कौन पूछता है? मैंने छह थालियां बोला। छह थालियां की जरूरत नहीं है। तो फिर जितना आदेश मिल रहा है उतना ही काम करो। सिर्फ तीन थालियां में लगना चाहिए। तीन थालियां में भोजन पड़ूंगा। बिल्कुल तीन थालियां में लग जाएगा भोजन। और नारायण, हाँ जरा इस बात को ध्यान से सुनना। बोल दीजिए महाराज। और तीन थालियां में जैसे भोजन लगेगा, हाँ दो थालियां मैं एक एक किलो जहर डाल देना है, और जो थालियां में आप खाएंगे वो थालियां बिल्कुल खाली रहनी चाहिए। मैंने समझी नहीं। नहीं समझी? तीन थालियां परोसा लगाएगी। तीन थालियां में भोजन लग जाएगा। लग जाएगा, लग गया। और दो थालियों में एक एक किलो जहर डालना है और एक थालिया बिल्कुल खाली रहना है। मतलब तीन थालिया में भोजन परोसा लगा, दो थालिया में बीस को डालूंगी। बिल्कुल डालें। एक एक किलो, एक एक किलो, एक थालिया में नहीं डालूंगी। नहीं डालना है। दो थालिया में क्या बात है और एक थालिया में क्या बात है? बात यह है नारायण की दो थालिया वही दुश्मन जो तुम्हारे भाई कह रही है वही दुश्मन को दोनों चार का थाली दिया जाएगा, और जिसमें हम खाएंगे वो थाली बिल्कुल खाली। अगली बात कीजिए और फिर क्या सामने बात कर रहे हैं, थोड़ा होश में बात कीजिए। जवान सवाल करके बोल, समझ गए? समझ गए ना। नौरी है तो नौरी जगह पर है। बिल्कुल, मैं सही ठिकाना में लगा करके बात कर रही हूँ, और जो मैं करूँगा मेरे आदेश के अनुकूल चलेगी। ठीक है, आपके राज में मैं रहती हूँ। ऐसा मत समझे कि आपका नमक खाती हूँ। मैंने शरीयत मैंने आपको नहीं दी हूँ, जितनी बार शरीयत मैंने देते रहूंगी। अगर एक लफ्ज भी आज इस रसोई घर में हुआ तो नौरी से बेतमीज लड़की कोई नहीं दिखेगी। होश में आकर के बात। बिल्कुल, मैं होश में आकर के बात कर रही हूँ। अगर बेहोश होकर के बात करेंगे मारते बिजली कोड़ा शराब दादी सर्दी गर्मी उतार देगा। साहब, मैंने आपके राज में रहती हूँ, आपका नमक खाती हूँ। आपका एक बात मैंने अच्छा लगा, लेकिन दूसरा बात आपने बोले बिल्कुल जहर की तरह लग गया। जहर के लगा और चाहे माहौल के तरह लगा, और मेरे दरबार में रह रही है तो मेरे आदेश के पालन तुझे करनी होगी। आदेश का पालन? आदेश का पालन वहां तक किया जाता है जहां तक क्षमता हो, और क्षमता से बाहर अगर कोशिश की है आपने, आपका हक है कि सिर्फ आपने दरबार में फरमाएंगे। नौरी के इस अदालत में कोई नहीं आता है और कोई नहीं जाता है, समझ गए ना? भोजन करना मेरी काम है, भोजन बनाने मेरी काम है। अगर इस रसोई घर से आज अभी नहीं फरार हुए तो क्या कर डालूंगी कहना मुश्किल है। क्या करेगी नौरी? वो दुश्मन के जनाजा उठेगा साथ साथ, अगर हरामजादी बात को नहीं मानेगी तो तुम्हारा भी जनाजा उठेगा। कौन जनाजा उठाएगा? राजा होश में बात कीजिए, और किरके सामने बात कर रहे हैं, समझ गए ना? आपका काम है दरबार का काम करना, मेरी काम है रसोई का काम करना। मेरी रसोई में मेरे अलावा अगर कोई चींटी भी आ गई तो मेरी रसोई में इजाजत लेकर के आती है। रसोई हो या महल हो, बांधो किला में सारे परिंदा को भी सोचना पड़ता है, और परिंदा भी मेरे इजाजत से ही उड़ती, समझ गई? जितना चला जा हो, चला जा राजा रसोईया घर से हो सर्दी कर दे। ये नहीं समझती कि कच्ची खिलाड़ी आपके सामने खड़ी है।
समझ गए ना। मामी घर का नारी है, जब भी खेलती है पक्की गोली से खेलती है, कच्ची गोली से नहीं खेलती है। जब भी निशाना करती है पक्की निशाना करती है, कच्ची निशाना नहीं करती है। समझ गए ना। कौन कॉल करके सुन, अगर तुझे मेरी ताकत के अंदाजा नहीं है तो आज तुझे पता चल जाए। इस रसोई घर में अगर जो अगर प्रवेश कर गया, अगर सीधी सीधी बात किया तो नारी उसे अच्छी अच्छी भोजन करा करके देती है। अगर बतिया सुन क्या भारी छतिया जल गए, एक एक बिजिया चाहता एक एक गयो गता एक एक गोरा बदल में हर काला छा गए, एक एक बतिया चाहत गयो तलवार, एक एक पोसल बेटा राजपूतों का तब ते चलता हूँ का चले के गिरबार एक एक कितना भगवा एक एक जय छपा
तू है भगवा करे चोरी बाप रे बाप अपने बसते रे कोई जी बना मा सोचा है हरी बकरी के बच्चा एक एक कान पकड़ के एक एक चाय छाई टेक दिया एक एक तू का लड़वे है हरी लड़वैया से फिर मैया के करे विदाता हाय तो बेटा के राजपूतान सुना के गवार साजा सारी दे उतार कर ले दूसरे भातार दिला
बोल साहब आपके सामने कभी नहीं आएगा। अरे यार मैं तो मुझे इस बात से क्या लेना था, जो मैं तुमको कह रहा हूं वो करना होगा। किया हो दुश्मन बना ला हे हो भाई इस तरह की बतावरण कीजिएगा। अगर तू उसे जान छुड़वाना चाहती तुम सोच रहे कि तुम्हारे साथ क्या होगा। अगर तुम अपना इज्जत बचाने के लिए चाहती है तो जितना करो उतना सुनो, मैं आखिरी वार्निंग तुम्हें दे रहा हूं। अगर अपना प्रतिष्ठा बचाने के लिए चाहती है तो मैं जितना करो उतना सुनो, वरना मुझे वो भी करने के लिए आता है। आया ना दो ही डिसीजन अभी दे दू। इस तरह की वातावरण अगर दूसरे के साथ कीजिएगा, दूसरे भाई अपने बहन के दरबार नहीं जाएगी कभी। अगर हम दादी तू वकील की तरह बहस करेगी, बहस करेगी तू। जल्दी फौरन जाओ रसोई घर। माया ने Yeah.
नाच पार्टी के पास आवे हैं। एक सदस्य अनुरोध है कि आप एक बार मानने वाले को यही अंजाम होता है, नहीं मानेगी। ठीक है, मैं आगे जाकर के ट्राई करता हूं, देखते हरामजादी क्या करे। अरे यहां का मरता जोरी हमें छोड़ो। क्या मैंने जो कुछ कहा सुनी है कि नहीं सुनी है? मैंने सुन चुकी हूं। काम कर चुकी है, नहीं करी है? मत ऐसा काम कीजिए। हाँ, ऐसा काम मत कीजिए। ऐसा तू मेरा मालिक है? मालिक नहीं। देख रहे हो, मैं अब तक तुझे समझाता रहा हूं। मुझे जो नहीं करने का वो तुम्हारे साथ होगा तब तुमको पता चलेगा, नहीं तो सीधी तरह जो मैं कह रहा हूं उतना सुनो, वरना मुझे मजबूरन कुछ भी मैं कर सकता हूं। जिंदगी भर मैंने आपके रात आपकी सेवा करते आ रही हूं। इतने दिन मैंने आपकी बात मानी, आज मेरी बात आप नहीं मानेंगे? जब इतनी बात तुम मान ही ली है, एक बात और मेरे मान ले, मैं तुझे सदा के लिए आजाद कर दूंगा। इतने दिन जब मैंने अपनी बात आपकी बात मैंने मानी, आज मेरी भी बात मान लीजिए। नारे, अगर इस तरह की हरकत आपने की, कोई भाई भाई अपने बहन के दरबार। अरे दुनिया जाने दे, इसी की तैसी में मैं जो कह रहा हूँ वो सुन। भाई नहीं है तो भाई बहन का रिश्ता, सीधी तरह मैं जो कह रहा हूँ वो तुझे करना होगा, वरना मुझे मजबूरन कुछ भी कर बैठेंगे, नहीं तो सोच ले, अभी भी तुझे मौका दे रहा हूँ। क्यों इस तरह की बताबरा मेरे साथ में कर रहे हैं? अब लगता है कि मेरे साथ ऐसा ही करना होगा। या हो